दोस्तों क्यों को पता है, इंडिया में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सेल करने में बिस्लेरी नंबर वन है और ये कंपनी सिर्फ पानी बेचकर 2020 में 1500 करोड़ की सेल्स की है। बिस्लेरी सिर्फ पानी बेचने वाला कंपनी नहीं है बल्कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सेगमेंट में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और आप ब्रांड तभी बनते हो जब लोग आपको कॉपी करके अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दे। जैसे बिस्लेरी का नाम यूज करके पता नहीं कितनी फर्जी कंपनी अपनी पानी बेचते हैं। और क्योंकि बिस्लेरी एक बहुत बड़ा ब्रांड है तो अभी रिसेंट एक न्यूज आया है कि टाटा ग्रुप बिस्लेरी को खरीदने वाला है और वो भी अराउंड 7000 करोड़ में। आज सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि बिस्लेरी दरअसल टाटा की हो सकती है जी। हालांकि इस डील के ऊपर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन बिस्लेरी की तरफ से नहीं आया है, लेकिन फिर भी सिर्फ पानी बेचकर ये कंपनी आखिर इतनी बड़ी बनी कैसे? और आखिर वो इंसान जो 53 इयर्स से कंपनी को रन कर रहा है वो आखिर इस कंपनी को सिर्फ टाटा को ही बेचना क्यों चाहता है? और ऐसी कौन सी बिजनेस मंत्रास है जिसे हम इस केसस्टडी से सीखकर अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? लाइमलाइट में आ रही है कि टाटा कंज्यूमर बिस्लेरी के को खरीद सकता है, ये इनफैक्ट एक बहुत बड़ा एक्विजिशन होगा। दोस्तों बिस्लेरी एक इटालियन कंपनी है जिसे 1965 में फेलिस बिस्लेरी ने एस्टेब्लिश किया था। और फिर वही साल ही वो इंडिया आई यानी 1965 में, जहां बिजनेसमैन खुसरू संतुक ने इटालियन डॉक्टर सेसारी रोजी के साथ मिलकर पूरे इंडिया को बॉटल वाटर कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया। देखो इंडिया में बिस्लेरी लॉन्च करने का लॉजिक सिंपल था। एक तो हमें रिसेंटली आजादी मिली थी और इंडिया में हर जगह पर सेफ एंड प्योर वाटर मिलना पॉसिबल नहीं था और उसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं था। पर भाई भाई अगर हमें रिसेंटली आजादी मिली है तो हमारी इकोनॉमी भी डाउन होगा, तो उस टाइम में जो अमीर थे वो थे पर किसी गरीब को अमीर बनने का मौका ही नहीं मिला था। तो अगर पैसा ही नहीं था तो तुम्हें लगता है कि मिडिल क्लास और लो क्लास के लोग पैसा देकर पानी पियेंगे? पागल है क्या? इसीलिए वो पहले रिच क्लास लोगों को अपना बोतल बेचना शुरू किया, जैसे कि बड़े बड़े होटल्स में, क्लब्स में, एयरपोर्ट में। लेकिन खुसरो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि बोतल का प्राइस ज्यादा होने से वो मिडिल क्लास को बोतल बेच नहीं पाए और हालात इतना खराब हो गया कि वो उस कंपनी को 1969 में रमेश चौहान को 4 लाख में बेच दिया जो कि पार्ले कंपनी के चेयरमैन थे। अब रमेश चौहान का मोटिव यह था कि वो बिस्लेरी को एक सोडा ब्रांड के रूप में डेवलप करेंगे, इसलिए वो पूरे देश में बिस्लेरी के 5 स्टोर्स ओपन किए जिसमें कि एक कोलकाता में था और बाकी 4 मुंबई में। लेकिन 1977 में गवर्नमेंट की पॉलिसीज के वजह से जब कोका कोला इंडिया से एग्जिट लिया तब रमेश चौहान ने उस मौके का फायदा उठाने के लिए बिस्लेरी के अंडर में लिम्का, थम्सअप और गोल्ड स्पॉट जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया। लेकिन 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होने पर कोका कोला इंडियन मार्केट में वापस आ गया और 1993 में उसने बिस्लेरी से सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स 400 करोड़ रुपए में खरीद लिया। और इस डील में एक नॉन कम्पीट क्लॉज भी शामिल था जिसके चलते बिस्लेरी अगले 15 साल तक कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स लॉन्च नहीं कर सकता। और यही वो पॉइंट है जहां रमेश चौहान का फोकस बॉटल वाटर इंडस्ट्री के ऊपर गया और बिस्लेरी को एक बॉटल वाटर ब्रांड बनाने का ठान लिया और मार्केट रिसर्च करके वो 3 स्ट्रेटेजीज को अपने बिजनेस में अप्लाई किया। अच्छा, नंबर 1, लो प्राइसिंग। देखो पहले बिस्लेरी अमीरों को बेचा जाता था, इसीलिए उनका जो 1 लीटर का बॉटल भी था उसका भी प्राइस ज्यादा होता था तो लोग उसे प्रीमियम समझते थे। तो वो मिडिल क्लास लोगों तक पहुंचने के लिए पहले तो बोतल का साइज छोटा कर दिया और फिर उसका प्राइस भी कम कर दिया और छोटे छोटे शहर में लॉन्च कर दिया। अब पानी कोई गड्डी नहीं है जो आप ना भी खरीदो तो जी लोगे, पानी आपको हर दिन चाहिए, कहीं भी, कभी भी। बात तो सही है। अब अगर कम प्राइस में वाटर बोतल मिल रहा है और वो भी प्रीमियम वाला तो लोग खरीदना शुरू कर दिए और ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए वो अपना मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दिए। और धीरे धीरे मार्केट में इतना चेंजेस आया कि जब भी कोई दुकान जाता था तब वो बिस्लेरी की ही बोतल मांगता था। अब सेल्स तो स्टार्ट हो गया था पर मार्केट में कंपटीशन आना जाहिर सी बात है और किनली जैसे कंपनी आके उसे टक्कर देने लगे जिसके चलते उनका मार्केट शेयर बटने लगा। अब ऐसे कंपटीटिव मार्केट में टिकने के लिए रमेश जी को एक और स्ट्रेटेजी का यूज करना जरूरी था। नंबर 2, पैकेजिंग। देखो उस टाइम पर जितने भी बॉटल वाटर कंपनी थे उन सबके लेबल्स ब्लू कलर का होता था, तो पहले उन्होंने अपना लेबल ग्रीन कलर का चेंज कर दिया जिसके चलते वो पूरे मार्केट से अलग दिख सके और उनका ये स्ट्रेटेजी उनका काम भी आया। पर प्रॉब्लम यहाँ नहीं रुका था, जब मार्केट में बिस्लेरी का नाम बन गया तो बहुत से लोकल कंपनी उन्हीं के डिजाइन पर बोतल बेचना शुरू कर दिया जिसके चलते लोग जान ही नहीं पाए कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है। अगर इसे ज्यादा दिन तक चलता तो उन्हें बहुत लॉस सहना पड़ता और लोग बिस्लेरी के ऊपर से भरोसा करना छोड़ देते। और यहीं पे उन्होंने अपना टैगलाइन को चेंज किया जिससे हम उनका 3rd मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं जिसके चलते वो लोगों को अवेयर करने के साथ साथ कंपटीशन को बहुत पीछे कर दिया। लो भाईजा बिस्लेरी। अबे चंपकलाल, हर पानी की बोतल बिस्लेरी ना होवे, समझदार बिस्लेरी पीते हैं। तो फिर अब सवाल ये आता है कि अगर इतना ही सक्सेसफुल कंपनी है तो इसके चेयरमैन इसे बेचना क्यों चाहते हैं? तो इसका जवाब है, रिपोर्ट के हिसाब से
रमेश चौहान अब 82 साल के हो गए हैं। अब उनका तबीयत भी खराब रहता है, जिसके चलते वो अपने बिजनेस में अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उसके साथ साथ उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी बारिश नहीं है। उनके एक लौती बेटी जयंती चौहान, जो कि इस कंपनी के वाइस चेयरमैन भी थे, अब उनको ये बिजनेस करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फैमिली में जो आपकी बिटियां हैं, वो उन्होंने क्यों नहीं इस कंपनी को ज्वाइन किया? वो पहले तो इस कंपनी को चला चुकी है, देखभाल कर चुकी है। हाँ, तो 10 साल उसने काम किया है और उसके बाद अभी थक गए और ये काम उसको पसंद नहीं है। आजकल का जनरेशन बहुत जल्दी थक जाता है। आपने कहा कि 83 ईयर के मैं हूँ, अब रिटायर होना चाहता हूँ। बराबर। तो आपने जयंती को बोला नहीं कि नहीं बेटा, अभी और थोड़ा इस कंपनी को आपको आपकी जरूरत है? अब सवाल है कि सिर्फ टाटा कंपनी ही क्यों? तो इसका जवाब भी सिंपल है। देखो, रमेश चौहान बहुत ही मेहनत से बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है और जाहिर सी बात है, जो इंसान एक काम के लिए पूरी जिंदगी संभालते है, उससे पैसों से ज्यादा वो भरोसा चाहिए जो उनके लेगेसी को बरकरार रख पाए। तो ऐसे में इंडिया में टाटा ग्रुप से ज्यादा ट्रस्टेबल कंपनी कोई और है ही नहीं। उसके साथ साथ टाटा इसको इसीलिए खरीदना चाहता होगा क्योंकि एक तो बिस्लेरी आ जाने से उनके पास 60% मार्केट आ जाएगा। इसके चलते वो बिस्लेरी बेचने के साथ साथ उनका खुद का ब्रांड टाटा कॉपर वाटर, टाटा वाटर प्लस और हिमालयन की सेल्स भी बढ़ा पाएंगे। आपको क्या लगता है, टाटा बिस्लेरी को खरीद कर पूरा बॉटल वाटर सेगमेंट में राज करेगा या लॉसेस में जाएगा? जल्दी कमेंट करके बताओ। बी ए फास्ट मूवर और फास्ट मूवर, सिंपल भाषा में अगर आप किसी भी सेगमेंट में घुसना चाहते हो, या तो पहले भागो या फिर स्पीड से भागो। और अगर आप दोनों ही कर दिए तो भाई साहब, आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। जैसे बिस्लेरी ने किया, स्टार्टिंग में इंडिया में कोई भी बॉटल वाटर कंपनी नहीं थी, बिस्लेरी आ गया। फिर जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया तो वो अपना प्राइस, ब्रांडिंग और मार्केटिंग इतना स्पीड से किया कि दूसरे सभी कंपनियां पीछे रह गए। ठीक वैसे ही कार देखो की फाउंडर अमित जैन ने भी कैसे मार्केट की फर्स्ट मूवर बनकर आज कार देखो को $1.2 बिलियन की कंपनी बनाई। अगर वो जानना है तो ये राइट वाला वीडियो है ना, इसे क्लिक करो। सो कल मिलते हैं। जय जगन्नाथ।